हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जो ओएफसी केबल है वो कॉपर केबल से कैसे बेटर है, ठीक है, कि क्या क्या फायदे हैं हमारे ओएफसी यूज करने के, तो वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने रैंक 40 सिक्योर किया है गेट 2021 में। मैंने गेट 2015 में ऑल इंडिया रैंक 251 सिक्योर किया था अपने फोर्थ ईयर में। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, और मैंने एज ए असिस्टेंट मैनेजर टेलीकॉम भी काम किया है एमटीएनएल में, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं अभी। तो सबसे पहले बात आती है, दो चीजें हैं, एक तो है कस्टमर के परस्पेक्टिव से और है कंपनी के परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो हमने किताबों में तो पढ़ा हुआ कि हाई स्पीड है, हाई बैंडविड्थ है, ठीक है। तो क्या क्या और क्या बाकी चीजें हैं जो हम बुक्स में नहीं देखते हैं? तो सबसे पहली बात आती है कॉस्ट की, है ना। अगर कंपनी के परस्पेक्टिव से देखा जाए, सबसे पहला तो कॉस्ट ही है कि कंपनी को मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम रिटर्न आना चाहिए। तो जो कॉस्ट है उसको हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं, एक तो है केबल का कॉस्ट, दूसरा है केबल को ले करने का कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं केबल की, जो कॉपर केबल है हमारी वो क्या है, मेटल है। ओएफसी में क्या है, ये मेटल, इसमें जो ओएफसी हमारी फाइबर होती है बिल्कुल लास्ट में वो होती है ग्लास, और ऊपर प्लास्टिक की लेयर्स वगैरह होती है ना। तो ऑब्वियसली कॉपर का जो कॉस्ट होगा वो ओएफसी से ज्यादा ही होगा। और एक चीज है, जैसे मुझे अब सपोज करो एक बिल्डिंग है, एक एक्सचेंज है हमारी और एक बिल्डिंग है, ये है हमारी एक्सचेंज, ये है हमारी बिल्डिंग। तो सपोज करो बिल्डिंग मुझे 100 कनेक्शन देने हैं, तो अब मुझे कॉपर केबल ले करनी पड़ेगी जिसमें 200 वायर्स होंगी, तो एक कनेक्शन के लिए एक पेयर लगता है, ठीक है। तो मुझे जो ले करनी पड़ेगी कॉपर केबल वो उसमें 200 वायर्स होनी चाहिए, ठीक है, मतलब 100 पेयर। वही अगर मैं मुझे फाइबर ले करना पड़े तो मेरा काम हो जाएगा 12 में भी हो जाएगा, 12 फाइबर ओएफसी में। क्यों? क्योंकि अगर फाइबर है तो मैं वहां पे बिल्डिंग में स्प्लिटर यूज कर सकता हूं, ठीक है। स्प्लिटर होता है 2 से लेकर स्टार्ट होता है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा पोर्ट जो होता है फाइबर का उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि अगर वो 32 अलाउ करता है तो हम 32 का स्प्लिटर लगा सकते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर कितनी है, ठीक है। तो सपोज करो मैं यहाँ पे 12 फाइबर है, हर फाइबर में 32 का स्प्लिटर लगाता हूं, तो मैं कितने कनेक्शन दे सकता हूं इस 12F से, 12 × 32, ठीक है, 100 से कहीं ज्यादा हो गए। यहाँ पे हमें चाहिए थी 200 वायर्स केबल, यहाँ पे हमारा 12F से काम हो रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज होगी, दूसरी चीज क्या है, और अगर कोई चीज महंगी है तो अभी देखो कॉपर है, मेटल है, कॉस्टली है, और प्लस ये हैवी भी बहुत होती है, तो जो हमारा लेइंग है वो भी बहुत कॉस्टली हो जाती है। अगर मुझे कोई केबल ले करनी है तो सबसे पहले मुझे वो लोकेशन पे केबल लानी पड़ेगी, तो मीन्स ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट जो है हमारा स्टोर से लेके लोकेशन तक, ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है, कॉपर के केस में, क्योंकि बहुत हैवी होगी, प्लस मैन पावर ज्यादा लगेगी उसको स्टोर से लोकेशन उठाने में भी और फिर ले करने में भी, क्योंकि हैवी है, ठीक है। ओके, तो अगर हमने एक बार ले कर दिया उसको फिर जोड़ने के लिए भी ज्यादा लोग चाहिए, क्योंकि जैसे सपोज करो कि जो हमारा नेटवर्क होता है उसमें 2000 पेयर तक की केबल भी आती है, ठीक है, 2000 वायर्स होती है उसमें, तो उसको जोड़ने में उतना टाइम लगेगा, ज्यादा लोग लगेंगे। जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर है वही जो काम 2000 वाली केबल कर रही है वो हमारी 96 वाली कर देगी, ठीक है। तो 96 वाली को हो सकता है आधा दिन ही लगेगा केबल जोड़ने में, और 2000 वाली तो हो सकता है 2 दिन लग जाए, ठीक
ठीक है, एक तो ये चीज होगी। और लेइंग में भी ऐसा है कि जैसे हैंगिंग कि कहीं पे लोकेशन ऐसा है कि हम रोड से नहीं डाल सकते, तो हम कॉपर को हैंगिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि भारी केबल होगी तो पॉसिबल नहीं है। ओएफसी तो हम कैसे भी करके डाल सकते हैं इमरजेंसी में, तो वो कॉपर नहीं कर सकते। और दूसरी चीज क्या है, हैंगिंग कॉपर जो बाहर ले ना करेगी वो है एक इंपॉर्टेंट चीज, चोरी। ठीक है, तो कॉपर केबल अगर बाहर रहेगा तो चोरी हो जाएगा क्योंकि मेटल है, कोई चुरा लेगा, अच्छा बिकेगा। ठीक है, और जैसे सपोज करो 1 मीटर केबल, कॉपर केबल कोई मोटी 2000 पेयर की आप रात में रखोगे, वहीं पे अगर 100 मीटर ओएफसी रख दोगे तो अगले दिन जाके कॉपर गायब मिलेगी, ओएफसी वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो प्लास्टिक है, किसी कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो गई है हमारा नया केबल बिछाने में, क्योंकि हमारा एक तो केबल का कॉस्ट होगा, दूसरा लेइंग का। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस में क्या आएगा, सबसे पहले अगर कहीं केबल कटता है सबसे पहले तो फॉल्ट डिटेक्शन, मुझे फॉल्ट डिटेक्ट करना है। तो जैसे मैंने पिछली 2 वीडियो में बताया कि हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, ओएफसी में जो फॉल्ट डिटेक्ट करते हैं हम यूजिंग ओटीडीआर और पावर मीटर, काफी इजीली डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, एज कंपेयर टू कॉपर, क्योंकि जैसे हम ओटीडीआर से क्या कर सकते हैं, रीडिंग लेंगे, हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस बताता है। ठीक है, तो इवन मैंने 5-5 मीटर का डिस्टेंस भी मैंने मेजर किया हुआ है। ठीक है, तो वो हम बहुत एक्यूरेटली बताता है। और पावर मीटर हमें लेजर यूज, जैसे मैंने बताया था कि इसमें लेजर भी होती है, तो अगर मुझे कहीं साइट पे केबल कटा हुआ दिख रहा है तो मुझे आइडेंटिफाई करना है तो कि यही केबल है क्या मेरा, तो मैं एक्सचेंज से लेजर बोलूंगा, लेजर दे दो उधर से, अगर मुझे लेजर मिल गया तो मुझे कंफर्म हो जाएगा। कॉपर में थोड़ा मुश्किल होता है, कॉपर में करंट वगैरह देना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और एक चीज है फॉल्ट फिर रेक्टिफाई करना, तो सपोज करो जैसे हमारी रोड है, यहां पे हमारी कॉपर के बाजार थी मान लो 2000 पेयर की। ठीक है, अब यहाँ पे काम हुआ और यहाँ पे केबल कट गया। ठीक है, केबल कट गया, सबसे पहले तो केबल कटता है बाहर आता है, चोरी होने का रिस्क रहता है। दूसरी चीज ये है कि जब इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, रिस्टोर करना होगा, तो आसपास पूरा खड्डा लेना पड़ेगा ना, पूरा ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये भारी केबल रहेगी तो उसको जोड़ने में बहुत टाइम जाएगा। और प्लस इन केस कभी भी काम ऐसा नहीं होता कि आज केबल कटा, यहाँ पे काम खत्म हो गया और हम सही किया, कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार रोड पे काम कंटिन्यूसली चलता रहता है कि 1 महीने तक चलता रहेगा कुछ ना कुछ, तो आज अगर हम जोड़ के जाएंगे केबल किसी तरीके से, वो हो सकता है कल फिर कट जाए। और फिर वही चीज है कि हम इसको बाहर से, ऐसा बाहर से हैंगिंग नहीं कर सकते कि रोड से ना जाए, थोड़ा ऊपर से चले जाए, कहीं से पेड़ वगैरह से चले जाए, क्योंकि एक तो भारी है और दूसरा चोरी का डर। ठीक है, तो ये चीज मुश्किल है कॉपर में, और प्लस लोग भी ज्यादा लगेंगे इसको जोड़ने में क्योंकि 2000 पेयर है। वही अगर मेरा फाइबर जा रहा है रोड पे, वो अगर कट जाएगा तो देखो कॉस्ट नहीं है, तो फाइबर कितनी भी यूज कर लो, है ना। तो कॉपर अगर हमारी कटी है 1 मीटर तो 1 मीटर यूज करेंगे, उससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते तो, क्योंकि कॉस्टली है। अगर फाइबर हमारा 5 मीटर भी कटा हुआ है, 10-15 आराम से कोई भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट बहुत कम है उसका। तो सपोज करो यहाँ पे कट गया, अब मुझे पता है कि यहाँ पे 1 महीने तक काम होने वाला है, तो अगर मैं दोबारा यहीं पे अगर जोड़ूंगा तो वो कल को फिर कट जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम साइड से कुछ देखते हैं कि यहाँ पे कुछ पोजीशन है क्या, कि यहां से अगर हम एक करके थोड़ा हैंगिंग डाल दे, ऊपर से डाल दे कहीं टेम्परेरी, कि यहाँ पे काम होता रहेगा, हमारा केबल सेफ है, तो वो कर सकते हैं क्योंकि केबल भी पतली है। ठीक है, हल्की है और उसका चोरी का भी डर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज इजी हो जाती है और प्लस हमें कोई दिक्कत नहीं है कि कितनी भी केबल यूज करो। ठीक है, एक्स्ट्रा केबल रख दो, कि जैसे हमने हमने केबल डाल रखी है तो थोड़ा क्वाइल रख दो 5-10 मीटर एक्स्ट्रा, कल को अगर कटे तो उसी को खींच के हम दोबारा जोड़ देंगे। ठीक है, तो फॉल्ट रिस्टोरेशन भी काफी इजी हो जाता है ओएफसी में। फिर आता है
ईएमआई, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, तो क्या है, कॉपर अपनी मेटल है, तो जब कॉपर केबल होगी रोड के नीचे से जा रही होगी, तो ये हो सकता है कहीं भी उसके आसपास में पॉसिबल है कि कोई इलेक्ट्रिकल वायर भी हो। ठीक है, ये हमारी है कॉपर केबल और ये हमारी है इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिक केबल। ठीक है, तो इसमें इंटरफेरेंस हो सकती है कॉपर केबल में इसकी वजह से। ठीक है, एक उससे नॉइस वगैरह आ सकती है, हमारी जो क्वालिटी रहेगी वो अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये ओएफसी में नहीं होता है। ओएफसी में जैसे जो पावर ग्रिड है, तो पावर ग्रिड का भी अपना ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके जो रहते हैं बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल्स से रहते हैं जो, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उसके ऊपर फाइबर डाल देते हैं। ठीक है, तो सपोज करो उनकी इलेक्ट्रिकल वायर जा रही है, वो क्या करते हैं, सबसे ऊपर टॉप पे ओएफसी डाल देते हैं। ये होगी हमारी इलेक्ट्रिकल। ठीक है, क्योंकि रिस्क ही नहीं है उसका, इंटरफेरेंस का। और प्लस जैसे ये तो डालनी डालनी उन्होंने, पावर ग्रिड है, उनका काम ही यही है कि इलेक्ट्रिकल वायर केबल तो डालनी डालनी है, और साथ में उन्होंने ओएफसी भी डाल दिया, उनका नेटवर्क भी बन गया। और ऊपर डाला है, कितना सेफ है ना, इसमें कोई काटने का झंझट, कुछ झंझट नहीं है। ठीक है, तो वो एक फायदा है हमारा ओएफसी में। और इसी वजह से सिक्योरिटी भी आ जाती है, क्योंकि कॉपर केबल है, इसको टैप करना इजी है कि कहीं आपके घर के बाहर कॉपर केबल जो अपना आ रहा है यहाँ पे आपका कनेक्शन, वहां से अगर कोई जोड़ लेगा कुछ कॉपर केबल, वहां पे टेलीफोन लगा लेगा, तो वो इजीली एक्सेसिबल है। ठीक है, सिक्योरिटी का रीजन भी हो गया। तो ये चीज तो होगी हमारे कंपनी के परस्पेक्टिव से, है ना। और फिर अगर बात करें हम कस्टमर की, उससे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस, तो उसमें क्या आ जाता है, जैसे अटेन्यूएशन पर किलोमीटर, इसमें ओएफसी का अटेन्यूएशन पर किलोमीटर कम है कॉपर से, मींस डिस्टेंस के साथ ओएफसी में सिग्नल उतना वीक नहीं होता जितना कॉपर में हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जो हमारी एक्सचेंज रहती है, तो क्या होता है, जो एक्सचेंज के पास वाले कस्टमर है ना कॉपर के केस में, उसी को हम थोड़ा अच्छी स्पीड दे सकते हैं। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है ना एक्सचेंज से कस्टमर का, तो वैसे वैसे जो है उसकी स्पीड कम होती जाती है, उतनी स्पीड हम नहीं दे सकते। ठीक है, कि जैसे हमारे यहाँ VDSL के कनेक्शन थे, वो 50 Mbps स्पीड दे सकते थे, बट वो हम सिर्फ ओनली 1 से 2 किलोमीटर दूर जो कस्टमर है उनको दे सकते थे, बाकी लोगों को वो फैसिलिटी नहीं दे सकते थे। ठीक है, ये सपोज करो यहाँ से जैसे जैसे डिस्टेंस दूर जाएगा, अटेन्यूएशन बढ़ेगी कॉपर के केस में, बट फाइबर के केस में वैसा नहीं होता है। ठीक है, अगर हमें प्रॉपर कस्टमर एंड तक पावर मिल रही है, तो अच्छा खासा 100 Mbps तक चल सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज है स्पीड तो ज्यादा है ही, ठीक है, और फाइबर की कोई लिमिट नहीं है अभी तक, बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर जो है, लिमिट जो है हमारी डिवाइसेस की है, जो हम यूज करते हैं कि ONT जो हो गया या फिर OLT हो गया, उनकी लिमिट होती है, अभी तक ऑप्टिकल फाइबर की कोई लिमिट नहीं है। और फिर आता है एक्सटर्नल इफेक्ट्स, कि जैसे जैसे हो गया रेन, अब ये हो सकता है जो हमने कॉपर केबल है कहीं पे ज्वाइंट वगैरह होंगे उसके, कि जमीन के अंदर ही है, अब हमने क्या किया इसको जोड़ा हुआ था कहीं, तो ऐसा पैक किया हुआ था,
अब हो सकता है बारिश हो और पानी इसके अंदर चला जाए तो दिक्कत है, क्योंकि मेटल है, आपस में अगर कोई वायर जुड़ गई तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, किसी का कनेक्शन किसी के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल है। और दूसरा, अगर बारिश होती है, मॉइस्चर होता है, तो जो हमारे ज्वाइंट जैसे ओपन रह गया कहीं पे, तो उसमें मॉइस्चर आएगा तो रस्ट वगैरह लग जाएगी, तो उतना उसकी SNR सीनर टू नॉइस रेशो बहुत कम हो जाएगा, तो उस केस में अपना जो स्पीड है बहुत कम हो जाएगी। वही OFC में कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट ऑफ रेन मॉइस्चर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा जो एक BJC होता है OFC में। ऐसे बॉक्स रहता है जहां पे केबल अंदर जाता है, हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पानी भी जाएगा अगर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जब तक कटेगा नहीं तब तक उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पानी, धूप, मिट्टी, कुछ भी जाए, मिट्टी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वही कॉपर, हल्का सा भी पानी चला गया, दिक्कत है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमारी एक्सटर्नल इफेक्ट। तो ऑब्वियसली ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं आपके उस पर स्पीड पे। तो जैसे मेरे घर पे अभी 1.5 साल से OFC FTDH लगा हुआ है, तो अभी तक उसमें बहुत रेयरली होता है कि स्पीड ऊपर नीचे होती हो। ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी का चलता है, और प्लस ओनली अभी 1.5 साल में 2 बार कटा है, 2 बार ऐसा हुआ कि डिस्कनेक्शन आया हो पूरा, तो वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ऑप्टिकल फाइबर बेटर है कॉपर से। तो ब्रीफ में अगर बताऊं मैं आपको दोबारा, तो सबसे पहले तो कंपनी के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो कॉस्ट, सबसे पहले केबल का कॉस्ट ही ज्यादा है, फिर लेइंग का कॉस्ट, लेइंग के कॉस्ट में आ गया हमारा ट्रांसपोर्ट, केबल को लाने ले जाने का खर्चा, उसको जोड़ने का मैन पावर का खर्चा, हैंगिंग हम नहीं कर सकते हैं, चोरी का डर है, और फिर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में आता है कि फॉल्ट को डिटेक्ट करना, वो मुश्किल है, OFC में थोड़ा सा आसान है, उससे काफी आसान है मेरे हिसाब से, और उसको रिस्टोर करना भी मुश्किल है फिर कॉपर को। ठीक है, क्योंकि मोटी केबल है, ये OFC पतला होता है, तो अल्टरनेट वे से भी हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, तो जैसे मैंने बताया कि कॉपर में इलेक्ट्रिकल केबल साथ में हो तो इंटरफेरेंस हो सकता है, वही OFC में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है पावर ग्रिड का जैसे नेटवर्क है। ठीक है, और फिर जो क्वालिटी ऑफ सर्विस, अटेंशन पर किलोमीटर, कि जैसे जैसे एक्सचेंज से दूर जाएंगे कॉपर की स्पीड कम होती जाएगी, और जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं जैसे रेन हो गया और मॉइस्चर हो गया, उसका इफेक्ट कॉपर पे ज्यादा होता है, ऑप्टिकल फाइबर पे बिल्कुल होता ही नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर जब तक कटेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा उसको। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो मैंने 2 वीडियोस बनाई है वो भी जाके चेक कर लीजिएगा। इसके बाद ही मैं इस पे OFC पे कुछ ना कुछ बनाता रहूंगा वीडियोस। ठीक है, तब तक के लिए कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।